नमस्कार, हूँ निशित राजगुरु। एक तरफ आकरी गर्मी, बीजी तरफ कमौसमी वरसाद की शक्यता। स्थिति ए छे के बचवू शेना थी, कमौसमी वरसाद आंशिक ठंडक आपे तो सामे जगत नो तात मां मुश्किली में मुकाई जाए, ने आकरी गर्मी थी तो आम पण जनता त्रस्त छे। बेवड़ी ऋतुना कारणे स्थिति विकट छे, छे तो उनाळो पण पड़े छे वरसाद। आ बन्ने दृश्यो जो, सौथी पहला दृश्यो तापीना छे। तो सौथी पहला दृश्यों में आपने देखाड़ी रहा है तापीना। तापी में थोड़ा दिवस पहला एवं दृश्यों कैमरा में कैद था, जेना पर तात्कालिक विश्वास पण न आवे। अचानक वातावरण में पलटो आव्यो ने करा पड़वानी शुरुआत थी गई। नरी आंखे जोनार व्यक्ति पण आ दृश्य पर विश्वास करी शक्यो नहीं। बीजा दृश्यों धौं धगता तापनी चाड़ी खाई छे। गर्मीनो पारो छेल्ला अमुक दिवसोथी 40 डिग्री ने पार छे। एवी खतरनाक गर्मी अमदावाद ट्राफिक विभागे अमुक सिग्नलनो समय पण घटाड़वा पड्या। अमुक सिग्नल ने तो ब्लिंकिंग मोड पर मूकी दीधा छे, जेथी लोकोने त्राहित गर्मी में उभा न रहेवू पड़े। हवामान विभाग माटे पण आ स्थिति विश्लेषणनो एक विषय बनी गयो छे। सामान्य रीते उनाळामां हवामान विभाग हिटवेवनी आगाही करे, पण आ वखते आगाही मात्र हिटवेव सुधी सीमित नथी रही। एक तरफ हवामान विभागे बे दिवस गर्मीनो पारो 40 डिग्री पार रहेवानी आगाही करी छे अने अमदावादमां येलो एलर्ट जाहेर कर्युं छे। बीजी तरफ हवामान विभागे 26, 27 અને 28 તારીખે વરસાદની આગાહી કરી છે। ફ્રાઈડે દેખા જાય ડે 3 સે બારિશ એક્સપેક્ટ કરે ગુજરાત સ્ટેટ મે એસે ગુજરાત રીજન મે ડે 3 ડે 4 ડે 5 મતલબ 26 27 28 કો બારિશ એક્સપેક્ટ કરે એન્ડ સૌરાષ્ટ્ર રીજન 27 28 કો બારિશ લાઈ આઈસોલેટ ટ્રેન એક્સપેક્ટ કરે। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट आने वाले दो दिन के बाद, उसकी वजह से हमारा मॉइस्चराइजिंग और बारिश का एक्टिविटी का चांसेस है, और उसके साथ लाइट थंडरस्टॉर्म आनी उसी दिन में, लाइक आपके ईस्टर्न गुजरात, नॉर्थ गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र एरिया में आपको थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस रहेगा। और जहाँ तक मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है, दो दिन के लिए थोड़ा राइसी टेंडेंसी रहेगा मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए। उसके बाद फ्रॉम डे 3 से WD अप्रोच इसमें फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंटीरियर बहुत सारे गुजरात एरिया में वहाँ पर आपको 40 के आसपास या 40-41 के आसपास टेम्परेचर रहने के चांसेस दो दिन के लिए, बट डे 3 से वो कम हो जाएंगे। विभिन्न पैटर्न चेंजेस मॉइस्चर आ रहा है उसकी वजह से। तो क्या क्या वरसाद छे अने क्या क्या गर्मी की आगाही छे तेना पर एक नजर करी लीए। 26 एप्रिल की शुरुआत में बात करिए तो 26 एप्रिले उत्तर गुजरात बनासकांठा, साबरकांठा ने अमदावाद में वरसाद थवानी आंशिक आगाही छे, ज्यारे सौराष्ट्रना भावनगर, बोटाद अने सुरेन्द्रनगर में पण मावठू थई शके छे। बात करिए हवे 27 एप्रिले हवामान विभागे उत्तर राज्यना साबरकांठा, अरवली, पंचमहाल, दाहोद, महीसागर, छोटाउदेपुर, डांग, नवसारी, वलसाड, दमण, दादरानगर हवेली तथा सौराष्ट्रना भावनगर, बोटाद अने सुरेन्द्रनगर में वरसाद वरसी शके छे। तो आ तरफ गर्मीनी पण वात करी लीए तो अमदावाद में येलो अलर्ट जाहिर करवामां आव्युं छे। आ सिवाय राज्यना बाकी भागों में पण गर्मी वच्चे आ बे दिवसनी वात छे, एटले के 24, 25, 26 शुरुआत गर्मीनो पारो 40-41 डिग्री रहेवानी शक्यता छे। 26 तारीखे गर्मी में राहत मळवानी शुरुआत थई जशे जेम हवामान विभाग कही रह्यो छे। वरसादी वातावरणना कारणे हवामान विभागना कहेवा प्रमाणे गर्मी में घटाड़ो थशे, परंतु आ आंशिक राहत हशे। 3 दिवस वरसादनी आगाही छे ने आ वरसादनी आगाही बाद हवामान विभाग शुं आगाही करे छे તે બાદ રાજ્યના ગરમીની સ્થિતિનો હાલ ખ્યાલ આવશે। બેવડી ઋતુ એટલે બીમારીઓનું ઘર, ક્યારેક વધુ ગરમી, ક્યારેક વધુ કમોસમી વરસાદના કારણે હોસ્પિટલ દર્દીઓથી ઉભરાવા લાગે છે। ત્યારે આવી બેવડી ઋતુમાં કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખશો, કઈ રીતે આ બેવડી ઋતુના મારથી બચશો, સાંભળો એક્સપર્ટ તબીબ શું કહી રહ્યા છે। આજકાલ જેમ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે હવામાનમાં બહુ બધા ફેરફાર થઈ રહ્યા છે, વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે, અને આજે જ જેમ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે અમદાવાદ શહેરમાં 2 દિવસમાં વરસાદ પડશે અને વાવાઝોડું આવશે, એના કારણે અત્યારે જે પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ડે ટુ ડે લાઈફમાં વાયરસના કેસીસ બહુ વધી ગયા છે।
आटली गर्मी होवा छता पण लोकोने सर्दी खांसी ताव चालू छे अने जो बे दिवस में वावाझोडुं अने वरसाद आवशे तो सर्दी खांसी ताव के जे मुख्य वायरल ना कारणे थाय एना केस वधवानी शक्यताओ खूब ज वधारे छे। एटले आपणे बधाए ध्यान राखवुं के आपणने आटली गर्मी में लू ना लागे अने एट द सेम टाइम जो वरसाद पड़े तो वगर मौसमना वरसाद में कोई पलड़े नहीं तो एना कारणे लू लागवानी तकलीफ थई शके अने वरसादना कारणे वायरसना केसीस वधवानी शक्यता पूरेपूरी थाय एवुं देखाय छे। एक तरफ अमदावादमां धोमधखता तापथी लोको परेशान छे, सामे एएमसी पोताना हिट एक्शन प्लानथी लोकोने गरमीथी राहत अपावाना प्रयासमां छे। जो कि हिट एक्शन प्लान कोई आजकालनो नहीं पण छेल्ला 10 वर्षथी दर उनाळे एएमसी लागू करे छे, पण दर वर्षे वधती गरमी एएमसी माटे अनेक पड़कारो वधारी रही छे। त्यारे एएमसी हिट एक्शन प्लान अंतर्गत केवा कामो करी रही छे अने अत्यार सुधी केवा निर्णयो अमलमां मूक्या ते सांभळो आ हिट एक्शन प्लानना नोडल ऑफिसर शुं कही रह्या छे। खास करीने ओरेंज अने रेड अलर्ट ए माहिती लोको सुधी पहोंचाड़ीए छे, शू करवू अने शू न करवू बेजिक उपाय छे, पण ए बी लोको सुधी पहोंचे एना माटे अमारी वीएमडी स्क्रीन्स छे, होर्डिंग, बेनर, पत्रिका, स्लम विस्तारोमां अमारा पायाना कर्मचारीओ घरे घरे फरी अने लोको सुधी पहोंचाड़े छे। पछी जे ओआरएस पेकेट्स छे अमारा अर्बन हेल्थ सेंटर अने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स छे त्यां ओआरएस कॉर्नर्स चालू करे छे, विनामूल्ये लोकोने ओआरएस मळी रहे छे, आंगणवाड़ीओमां ओआरएस उपलब्ध रहे छे। अमारी जे जनरल हॉस्पिटल्स छे જે એલજી કો, શારદા બેન કો અને સરકાર સંચાલિત સિવિલ, સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ, વીએસ હોસ્પિટલ બધામાં હીટ સ્ટ્રોકના એક અલાયદા વોર્ડ તૈયાર કરવામાં આવે છે। જે લોજિસ્ટિકની જરૂરિયાત રહે છે, જે આઈવી ફ્લુઇડ હોય, પાઇન્ટ હોય, એ જે વ્યવસ્થાઓ, આઈસપેક્સ છે, બધી વ્યવસ્થાઓ પૂરતા પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ કરી લેવામાં આવી છે। અને વધુ કહીએ તો જે શહેરમાં 283 જેટલા બગીચાઓ છે એ જ્યારથી હીટ સ્ટ્રોક અમલીકરણ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારથી પૂરા ઉનાળાની સિઝનમાં પૂરો ટાઈમ રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે।